हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बता चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास है क्या, 1 + 1 - tan थीटा अपान 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। अब आप सोचो हमको करना क्या चाहिए, कहाँ से हमको अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमें sec स्क्वायर थीटा लाना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसको साइन और कॉस में चेंज करना चाहिए। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो हम चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 + 1 - इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को आप लिखते हो 1 - cos थीटा अपान का कितना स्टूडेंट्स, टाइन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखिएगा। आपको मिलेगा 1 + LCM लोगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा का अपान में, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल का अपान यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको अलग अलग करूँगा जो स्क्वायर लगा हुआ है, और हमें मिलेगा क्या, दिस इज इक्वल टू 1 + ध्यान से देखिएगा आप इसको, इसको मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखना चाहूँ अलग से तो बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। और जो ये कॉस थीटा लगा है इसका अलग से जब करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का अपान आपको मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से कैंसिल करने में, तो मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूँ बच्चों, कि अंदर वाला अंदर और बाहर वाला बाहर मल्टीप्लाई होता है, तो कर लेते हैं फिर आप इसको कैंसिल करिए, बाहर वाला बाहर। तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा होल अपान कॉस स्क्वायर थीटा नीचे रहना ही है, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आप सोचोगे सर यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दोनों को आपने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो बचा कितना मेरे पास, 1 + sin² थीटा अपान में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो बचा कितना, 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2020, नो डाउन।